हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नूतन सुजू मेरे चैनल में करती हूँ स्वागत आप लोगों को। आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छे हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे अपना किचन का ये जो कैबिनेट है बोल सकते हो और स्टोरेज बोल सकते हो, इसको क्लीन करना। एक्चुअली ये पेस्ट कंट्रोल के समय का ही वीडियो है, लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो चुकी हूँ, इसके लिए वीडियो डेली डालना पॉसिबल भी नहीं हो रहा है, एडिट करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग देखोगे वीडियो को, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, क्योंकि मेरा जो है, मैं क्या बोलूँ, मेहनत से वीडियो अभी कर रही हूँ। तो अगर देखने का मन है तो ही देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। शुरू में बताना चाहूँगी और एक बात कि आप लोग ये वीडियो देख के अगर घिन लगता है, सोच रहे हो कि नूतन सुजू कितना गंदा करके रखती है, जी बिल्कुल नहीं, ये कसूर मेरी नहीं है। 2 महीने पहले मैंने इसको पूरा साबुन वगैरह से, स्कॉच ब्राइट से क्लीन करके इसको लगाई थी, लेकिन मेरी जो ये जो मैं एरिया में रहती हूँ वहाँ पर कॉकरोच का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसके वजह से कॉकरोच का बहुत ज़्यादा अटैक होती है। तो देख आप लोग अगर वीडियो फुल वॉच करने के बाद आप लोगों को कुछ टिप्पणी रहेगा, कुछ बात मतलब बताना, कुछ कैसे मैं कॉकरोच से बच सकती हूँ, कुछ घरेलू नुस्खा अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बता के जाइएगा। तो चलिए बातें और ना करते हुए झटपट वीडियो को शुरू करते हैं, और ज़्यादा लंबा वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हो, तो चलिए कोशिश करती हूँ छोटे में ही आप लोगों के साथ मैं कैसे ये पूरा कैबिनेट को ऐसा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज कर लिया वो शेयर करने के लिए। तो चलिए और बातें ना करते हुए देखते हैं कितना गंदा एरिया था और कितना साफ हुआ। तो देखिए ये मेरा जो गलती है कॉकरोच बढ़ने के लिए, मुझे लगता है कि मैं जो छुट्टा चीज़ होता है उसको प्लास्टिक में रख देती थी। और ये देखिए ये मेरा ओवन का जो स्टिकर है, मैं ये यहाँ पे चिपका के रखी हूँ। मेरा ओवन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोग भी देख लिए हो। तो मतलब जो अदीप को ये फेंकना ठीक नहीं लगता है 1 साल तक, तो इसके लिए मैंने ये यहाँ पे चिपका के रखी है। और ये है एलजी का हेल्पलाइन नंबर 80017। तो आप लोगों को अगर कोई एलजी चीज़ ख़राब होता है तो ये हेल्पलाइन में आप लोग कॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं तो रेडी हो गई हूँ ये कपड़ा और ये कोलिन लेके साफ़ करने के लिए। तो हाँ, जो बता रही थी मैं छोटा चीज़ प्लास्टिक में देखिए कैसे बंद बंद करके रखती हूँ, यही मुझे लगा कि कॉकरोच बढ़ने का मेन रीज़न भी हो सकता है। तो इस बार जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगी ये थैली का चीज़ जो प्लास्टिक में रखती हूँ वो कहाँ पे कैसे रखती हूँ, वो देखने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। और जो लोग मेरे साथ बने हुए हो, जो लोग मेरे हर दिन का वीडियो देखते हो, उन लोगों को बहुत 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 ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से। मैं प्यार के सिवा और क्या दे सकती हूँ आप लोगों को, और बहुत सारा रिस्पेक्ट, प्यार और रिस्पेक्ट मेरे तरफ से आप सभी लोगों को, जो लोग मेरे हर वीडियो को अच्छे से वॉच करते हो और अच्छा अच्छा कमेंट करते हो। आप लोगों का कमेंट्स मुझे बहुत इंस्पायर करता है वीडियो बनाने के लिए। हालांकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ 2 साल के बाद, स्कूल खोलने के बाद, तो वीडियो एडिट करना भी नहीं हो रहा है और वीडियो शूट करना भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करूँगी। वीडियो करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर से जॉयदीप भी आउट ऑफ स्टेशन है, जिसकी वजह से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा नहीं होते हुए भी थोड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में और भी बाकी जो लोग हैं उनका टेक केयर अभी मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों के साथ क्लीनिंग करते करते बहुत कुछ शेयर भी कर दिया फैमिली मैटर। तो पहला जो रैक है उसका हालत कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो। 2 महीने पहले ही मैंने ये सारे चीज़ को निकाल के क्लीन किया था, क्योंकि ये सारे जो रैक है इसको उठा के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये मरीन प्लाई से बना हुआ है, ये इटसेल्फ इतना हेवी होता है और मुझे फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकती हूँ। झाड़ू पोछा भी मैं इसके लिए कम मतलब देती हूँ, कि मुझे एक दिन अगर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे 7 दिन के लिए शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और मेरे
घर में हेल्पिंग हैंड बोलने में कोई नहीं है, मुझे ही सारा काम ऑलमोस्ट करना पड़ता है, 80% काम मुझे ही करना पड़ता है। तो देखिए मैंने पहला जो रैक था उसको, वो ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने सोचा उसको मैं ऐसे ही कोलिन से साफ़ कर दूँ। तो कोलिन स्प्रे करने के बाद मैं जैसे इसको क्लीन करा जाता है, मैं वैसे ही कपड़े की मदद से इसको क्लीन कर लिया। और एक ही बार में मैं दो काम कर रही थी, क्लीनिंग के बाद मैं जो अंदर जो स्टोरेज का डब्बा है वो डब्बा भी एक ही बार में क्लीन कर करके कपड़ों से मैं लगा रही थी, क्योंकि डब्बा का जो सामान है वो जब ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ उसको धो देती हूँ, तो इसके लिए डब्बा मेरा ज़्यादा गंदा नहीं रहता। तो देखिए प्लास्टिक में कितना ज़्यादा पॉटी है कॉकरोच का। तो देख ये जो होम डिलीवरी का डब्बा होता है ना, तो जो चीज़ प्लास्टिक में था मैंने वो चीज़ को ऐसा होम डिलीवरी का जो डब्बा आता है उसमें मैंने भर के रख दिया, क्योंकि स्क्वायर डब्बा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है राउंड और ये बड़े बड़े डब्बे से। थोड़ा थोड़ा ही सामान था तो मैंने ये डब्बे में कंटेनर में रख दिया, आने वाले दिन में जब साफ़ करूँगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए पहला जो स्टोरेज था वो मैंने साफ़ कर लिया और जो डब्बा था वो भी लगा दिया। अब दूसरे वाले में मुझे लगा कोलिन से साफ़ नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने वो लिया स्कॉच ब्राइट और जो बर्तन धोने का साबुन है उसी से मैंने इस बार क्लीन किया। कोई फैंसी नहीं, कुछ नहीं, और गीले कपड़े की मदद से मैंने पूरा अच्छे से चारों बगल इसका जो वॉल वगैरह है ये साफ़ कर दिया। कुछ तो लगा हुआ था जिसको मैंने नेल की मदद से स्क्रैच करके निकाल दिया, और कुछ कुछ जगह में आप लोगों को ब्लैक ब्लैक निशानियाँ दिखने को मिलेगी, वो तो ग्लू का इम्प्रेशन है, ग्लू कुछ जगह क्योंकि ये ग्लू से चिपकाया जाता है और उसका ही दाग है, वो मुझसे नहीं उठता है, वो बहुत ज़्यादा चिपक गया है इसके अंदर। तो देखिए सेकेंड रैक भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, और ये जो डब्बा मतलब देखिए नीचे रखी थी वो डब्बा लेने के लिए अनिष्का मुझे मदद कर रही है, पूरा काम में अनिष्का ही मुझे मदद किया। तो अनिष्का के लिए भी आप लोग थोड़ा कुछ अच्छा कमेंट्स करिएगा, जो लोग इतना दूर तक वीडियो को देखे हो। तो वन बाय वन मैंने डब्बे सारे यहाँ पे रखना रख के ये रैक को भी ख़त्म कर दिया। सबसे ज़्यादा गंदा रैक ये था थर्ड वन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बिस्किट वगैरह मिक्सचर रहता है और यहाँ पे कॉकरोच का अटैक भी ज़्यादा है। तो देखिए वो रैक को भी मैंने एकदम से चकाचक से क्लीन कर दिया, लेकिन कोने कोने में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये कोई गंदगी नहीं है, ये ग्लू का निशान है, तो ग्लू कुछ इस तरह से हो गया, लेकिन अंदर तो साफ़ हो चुका है। और ये साफ़ करते करते मुझे लगा बाकी का किचन का जो कैबिनेट है वो भी मैं साफ़ कर लूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया और बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि नीट एंड क्लीन हो गया। आप लोगों को अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करिएगा। और कॉकरोच भगाने का कुछ अगर घरेलू नुस्खा है तो वो भी शेयर कर सकते हो। एक नुस्खा तो है मुझे कैंपोर के बारे में मालूम है, कैंपोर दे के रखने से कपूर बोलते हैं हम लोग, वो देने से भी कॉकरोच कम होता है, क्योंकि खाने के जगह में ज़्यादा हम लोग हीड वगैरह ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कॉकरोच भगाना होती है बहुत मुश्किल। तो देखिए प्यारी सी डॉल मेरे साथ हमेशा किचन में रहती है, फर्स्ट टाइम जब जॉयदीप से मिली थी तो ये डॉल मैंने जॉयदीप को गिफ्ट किया था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आने वाले दिन में मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पट झटापट दिखा देती हूँ कि बाकी जो कैबिनेट है उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। ये बेसिकली स्टोरेज है आने वाले दिन में काम जो आने वाला है उसका। तो इसके बाजू में भी एक स्टोरेज है, वहाँ पर और एक मतलब बड़ा बड़ा चीज़ें रखती हूँ, चीनी मैदा ये सारे चीज़। तो वो रैक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और ये देखिए नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ग्लू है, गंदगी नहीं है। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून विद अनदर ब्लॉग अनदर स्टोरी, बाय ऑल, टेक केयर।